ఎన్ని నెలల్లో పుట్టావు? 6 నెలల్లో పుడితే నిన్నేమంటారో తెలుసా? నెల తక్కువ వెదవా. नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। दोस्तों, नितिन स्टारर मूवी भीष्मा रिलीज का 22वें दिन है, यानी दोस्तों फिल्म रिलीज के 3रा वीकेंड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और आज से फिल्म के लिए हो चुके हैं 4था वीकेंड शुरू। और इस फिल्म से उतना ही उम्मीद है दोस्तों, जिस तरह से फिल्म ने पहला वीकेंड, दूसरा वीकेंड और 3रा वीकेंड में ताबड़तोड़ की कलेक्शन की, ठीक उसी तरह से दोस्तों आगे भी कलेक्शन करेगी। हालांकि दोस्तों फिल्म भीष्मा टोटल वर्ल्ड 2800 स्क्रीन पर रिलीज हुआ था, लेकिन दोस्तों वीकेंड के साथ साथ फिल्म के स्क्रीन भी घट गए। उसी के हिसाब से दोस्तों फिल्म के कलेक्शन के मामले में थोड़ा सा रुकावट तो आए, लेकिन दोस्तों फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में ही बजट क्रॉस रिकवरी कर ली थी। और इस फिल्म के अच्छे और पॉजिटिव रिव्यू के चलते फिल्म का कलेक्शन रुके नहीं और फिल्म के दूसरा वीकेंड और 3रा वीकेंड में ताबड़तोड़ की कलेक्शन की। बजट की अगर बात की जाए तो दोस्तों भीष्मा मूवी के टोटल बजट है 32 करोड़ रुपए। वही अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों भीष्मा मूवी ने अपने पहले वीकेंड में इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 39 करोड़ रुपए। वही अगर बात की जाए दूसरे वीकेंड की कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड पे टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 6 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों फिल्म के 3रे वीकेंड की कलेक्शन की, तो दोस्तों भीष्मा मूवी ने अपने 3रे वीकेंड पे भी ताबड़तोड़ की कलेक्शन की और फिल्म ने अपने 3रे वीकेंड पे टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया है 4 करोड़ 20 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म के लिए आज से हो चुके हैं 4था वीकेंड शुरू। बात की जाए दोस्तों फिल्म के 4थे वीकेंड की कलेक्शन की, तो दोस्तों अभी के रिपोर्ट के अनुसार भीष्मा मूवी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर रहे लगभग 40 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों नितिन स्टारर मूवी भीष्मा ने अपने 22 दिनों में टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया है 49 करोड़ 60 लाख रुपए। वही दोस्तों फिल्म के अपने 22 दिनों का टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुके हैं 65 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की, तो दोस्तों नितिन स्टारर मूवी भीष्मा ने अपने 22 दिनों में ओवरसीज मार्केट से टोटल कलेक्शन कर लिया है लगभग 22 करोड़ रुपए। तो दोस्तों फिल्म ने अपने 22 दिनों में टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया है 65 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने अपने 22 दिनों में ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कलेक्शन कर लिया है 22 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों नितिन स्टारर मूवी भीष्मा ने अपने 22 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 87 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यही था नितिन स्टारर मूवी भीष्मा के अपने 22 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन, जो की हो चुके हैं 87 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। इसी तरह के कॉलीवुड टॉलीवुड बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस खबरें के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को प्लीज एक लाइक करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।